गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ट्यूसडे को हमने बॉडी पार्ट से रिलेटेड पोयम 10 लिटिल फिंगर्स पढ़ी थी। आज हम फिर से बॉडी पार्ट्स को रिवाइज करते हैं। बॉडी पार्ट्स आईब्रो, भौंहें, आई, आँख, ईयर, कान, आर्म, हाथ, हैंड, हथेली, लेग, टांग, फुट, पैर, नी, पैर का घुटना, स्टमक, पेट, चेस्ट, छाती, माउथ, मुंह, नोज, नाक, फॉरहेड, माथा। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स आपने पहले भी पढ़े हैं। आज हमने इनका रिवीजन किया। आज हम बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। बॉडी पार्ट्स क्रॉसवर्ड, इसमें आपको एक पज़ल दी गई है। यहाँ पर आपको कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं और अक्रॉस में नीचे नंबर्स दिए गए हैं 1, 3, 4, 7, 8, 10 और डाउन में 2, 3, 5, 6। यहाँ पर ये बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं। इन बॉडी पार्ट्स को आपने इस क्रॉसवर्ड में सेट करना है। नंबर 1 पर जैसे ए और यहाँ बनी है आर्म, तो आपको आर्म यहाँ 1 नंबर पर आपको क्रॉस वर्ड में आर्म लिखना है। इस तरीके से जब आप ये सारे बॉडी पार्ट्स को इस क्रॉस वर्ड में भर देंगे तो यह पूरी हो जाएगी। बच्चों, बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ ईडियम्स की बात भी आज हम करेंगे। जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, जैसे 9 2 11 होना, आँखों का तारा होना, उसी तरीके से इंग्लिश में भी ईडियम्स का प्रयोग होता है। ईडियम्स यानी मुहावरे। ईडियम्स का प्रयोग हम अपनी भाषा को, लैंग्वेज को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड ईडियम्स इस प्रकार है। क्लोज टू हैंड, क्लोज टू हैंड का मीनिंग होगा बहुत नज़दीक। वैसे हम अगर अलग अलग शब्द का मीनिंग करेंगे कि क्लोज क्लोज का मीनिंग क्या है, हैंड का मीनिंग है, तो इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, परंतु ईडियम्स में जब ये मिलते हैं तो इनका एक अलग ही अर्थ निकलता है। क्लोज टू हैंड का मीनिंग होगा बहुत नज़दीक। हेड ओवर हील्स, हेड ओवर हील्स का मीन्स बहुत ज़्यादा प्यार करना। नेक ऑफ द वुड्स, नेक ऑफ द वुड्स का मीन्स है आसपास की जगह। तो ये कुछ बॉडी पार्ट से रिलेटेड idioms. Now you have to do some exercise. Write any 5 body parts in your copy. एक आपको अपनी copy में 5 body parts लिखने हैं. Write any 2 idioms in your copy. आपको अपनी copy में कोई भी 2 idioms लिखने हैं और आपको अपनी copy में body parts crossword भी करने हैं. Thanks. That's all for the today.